हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैपेसिटर से ही रिलेटेड हैं और कैपेसिटर की एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। किसी भी कैपेसिटर में जब हम उसे चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, वही चीज़ है ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर, उसे आप जरूर देख लें जिससे कि आपको एक बार पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यही जो एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है जो कि कैपेसिटर में हम चार्ज को जब स्टोर करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक बॉल को फेंकते हैं ऊपर हवा में तो वो वापस आती है। हम एक फील्ड फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे आती है। क्यों आती है? कि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जो वर्क हमने किया उसको ऊपर फेंकने में, वही वर्क उसमें स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क हमें वापस मिल जाता है जब बॉल नीचे वापस आती है। वैसे ही एक स्प्रिंग होती है, तो एक स्प्रिंग को जब हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो वो कंप्रेस्ड होती है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है जो हमारे अगेंस्ट लगता है वो फील्ड फोर्स होता है। तो उस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, फिर हम उसे रिलीज करते हैं तो फिर हमें वो वर्क देती है। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है, दोनों ही प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो करते क्या है हम कि पॉजिटिव चार्ज देते हैं एक प्लेट को कंटिन्यूअसली और दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज देते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये होता है चार्जिंग का प्रोसेस, हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में चैनल के सेकंड चैप्टर में वहां के आप ढूंढेंगे और देखेंगे उन वीडियोस को, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं एक प्लेट को कंटिन्यूअसली। तो पहला पॉजिटिव चार्ज दिया, क्लियर है बात, तब तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज उसे हम देंगे तो कोई भी हम फॉर्म मान लेते हैं, क्वांटम फॉर्म मान लेते हैं चार्ज की, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज दिया हमने, ठीक है, क्यू चार्ज दिया, फिर क्यू चार्ज दिया, बार बार हम उसे क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज जब देंगे, बार बार प्लस चार्ज देंगे तो हमें बार बार वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, उसका अपना एक फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सन फोर्स मिलेगा। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया फिर उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फिर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम कंप्रेस करते हैं कि स्प्रिंग को, ऐसे ही हमें प्लस चार्ज को कंप्रेस करके रखना पड़ेगा किसमें, कैपेसिटर में, उसकी जो प्लेट्स हैं वहां प्लस चार्ज को कंप्रेस करके रखा और दूसरी प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज को कंप्रेस करके रखा, ठीक है। तो ये कंप्रेस करके रखा, जैसे ही हमें इसे जरूरत पड़ती है तो हम एक सर्किट के थ्रू इसको वापस ले लेते हैं। तो यही है, जैसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में बॉल वापस आती है, वैसे ही हमें जब जरूरत होती है तो हम इसको किसी भी सर्किट में यूज करके उस चार्ज को वापस ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम ले लेते हैं, वो रिलीज हो जाता है जहां हमें जैसी जरूरत होती है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के प्रोसेस में उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने स्टोर कर लिया, सो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है बात। तो सिंपल सी बात ये है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ये कैपेसिटर है, सपोज इसकी हमने दो प्लेट ले ली, ये है ना। वैसे मैं आपको जनरल बता देता हूं, करते क्या है हम इसमें एक बैटरी लगाते हैं, उससे हम इसको चार्ज करते हैं, है ना, एक स्विच लगा देते हैं और एक रजिस्टर भी लगा देते हैं जिससे डैमेज ना हो, है ना, एक रजिस्टर। अभी हमने लास्ट जो पढ़े थे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर की प्लेट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो यही तो प्रोसेस होता है। यहां से पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है इसी प्लेट, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है, एक और पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर इकट्ठा हो जाता है। पहला पॉजिटिव चार्ज गया, फिर दूसरा गया, तो हमें लगातार वर्क करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता इसी पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट। तो यही वर्क जो हमने किया है वो स्टोर हो जाता है इस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारी बैटरी ने वर्क किया इसको चार्ज करने में, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव चार्ज ऐसे ही इकट्ठा होके यहां पे
नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज का इकट्ठा ही होना। तो वर्क डन जितना भी करना पड़ता है किसी भी यूनिट चार्ज को ले जाने में, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल होता है। तो यहां पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को और यूनिट नेगेटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहां नेगेटिव पोटेंशियल इकट्ठा हो जाता है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो एक बैटरी के थ्रू हम इसको चार्ज कर लेते हैं। तो सिंपल बस यही मेन चीज है इसमें, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन हमने किया, ठीक है। वही वर्क डन तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ही है ये। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है, सपोज एट पॉइंट पी, तो वर्क डन हम निकालते हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, ठीक है। या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। यहां इंटरनल सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क डन करेगा कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू पी दैट पॉइंट। तो ये दो तरीके होते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां हमें क्या है, एक कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, ये हमने कैपेसिटर को यहां कंसिडर कर लिया। अब यहां हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। सपोज कि हम फाइनली इसको प्लस क्यू चार्ज दे देंगे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज देंगे, स्टार्ट में जीरो होगा चार्ज, इसे माइनस क्यू चार्ज देंगे। फाइनली बताया है मैंने ये बात, ठीक है, ध्यान रखना है हमें कि फाइनली हमें इस कैपेसिटर को प्लस क्यू चार्ज पे रखना है और दूसरी प्लेट को रखना है माइनस क्यू चार्ज पे, ठीक है बात। तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज कैसे डेवलप करने हैं हमें इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर, ये हमारा मेन टारगेट है। तो वही वर्क डन हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे इस पार्ट को ले लेते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर इंटरनल वर्क डन कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन को कैलकुलेट करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जब हम इसको चार्ज करेंगे। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना है या नेगेटिव चार्ज लाना है, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये सबसे पहली बात कि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, स्टार्ट में न्यूट्रल कंडक्टर दो लिए हमने, एक न्यूट्रल कंडक्टर ये है और दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर ये है, ए बी कुछ भी कह सकते हैं, ए बी कह लेते हैं, चलिए ठीक है, ए और बी दो न्यूट्रल कंडक्टर हैं, ये भी न्यूट्रल कंडक्टर है। तो दोनों न्यूट्रल कंडक्टर पे, इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालें और इस पर पहुँचा दें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों ही प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन पे डेवलप हो जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। या फिर हम ये कहें, एक तो ये हो सकता है तरीका, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ से जो सेकेंड प्लेट है इससे प्लस चार्ज को लें और हम यहाँ पहुँचाएँ इस प्लेट पर, पहला प्लस चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट से जब प्लस चार्ज निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ बचेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये न्यूट्रल कंडक्टर था स्टार्ट में, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे इसके पास, ठीक है, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे स्टार्ट में इसके पास, ऐसे ही इसे समझ लीजिए, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे इसके पास। हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को लिया हमने और वर्क किया हमने, यहाँ लाके उसको छोड़ दिया, ठीक है, कंप्रेस्ड किया हमने। तो यहाँ से एक प्लस चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ पे वही प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, आ जाएगा एक्स्ट्रा में, आ जाएगा, ये आ गया प्लस चार्ज एक्स्ट्रा में, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया और इस पर क्या हो गया, एक नेगेटिव एक्सिस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज इस पर क्रिएट हो जाएगा इस कंडक्टर पर। ये बात नहीं समझनी आपको कि इनसाइड या आउटसाइड से मतलब नहीं है, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल थी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज को हमने लिया यहाँ से प्लेट बी से और प्लेट ए पर उसको हम ले गए, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ से लिया और उसको हमने यहाँ पे पहुँचा दिया वर्क करके। तो यहाँ क्या हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो धीरे धीरे हमारा यही प्रोसेस रहेगा कि हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को लेंगे और यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनते रहेंगे मीन्स एक्सिस में होते रहेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले इसी प्रोसेस को करने में, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लेट बी से, प्लेट बी से एक पॉजिटिव चार्ज को लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज को लिया यहां से, और हमें वर्क करना पड़ेगा। सपोज ये बी पॉइंट है, यहां पे ये बी कैपेसिटर है, बी प्लेट है, ये ए है प्लेट, ठीक है। बी से लेके ए तक जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हम निकालेंगे यहां पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी है स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज को हमें लेना है, यहां से यहां तक लेके आए, ये हमें काम करना है। तो सपोज हम यही काम कर रहे थे, यहां से प्लस चार्ज को उठा रहे थे, यहां पे पहुंचा रहे थे, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, बीच में कोई भी पोजीशन होगी जब इस पर चार्ज कितना इकट्ठा हो गया होगा, हाँ प्लस क्यू डैश, ठीक है, प्लस क्यू डैश चार्ज ए प्लेट पर इकट्ठा हो गया और यहां माइनस क्यू डैश चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। दोनों ही प्लेट्स पर इक्वल अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज को यहां लाएंगे, फिर अगला प्लस चार्ज लाएंगे, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल्ड करेगा उसे, लेकिन हम वर्क लाके उसे यहां कंप्रेस्ड कर देंगे, तो वही बात होगी। तो एक इंटरमीडिएट सिचुएशन हमने देखी कि जब जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है एट इंटरमीडिएट पोजिशन, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू डैश, ठीक है। प्लस चार्ज को ही हम जनरली बताते हैं कि क्यू डैश उस पर चार्ज है, लेट ये सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज, स्मॉल चार्ज की बात करेंगे हम, डी क्यू डैश यहां से लेंगे और यहां पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमें वर्क डन वही पता करना है, स्मॉल डी क्यू डैश के लिए हम पता करेंगे, फिर कंप्लीट के लिए पता कर लेंगे। देखिए कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात क्या है कि सबसे पहले हम स्मॉल चार्ज लेंगे डी क्यू डैश, प्लस डी क्यू डैश चार्ज लेंगे, उसको यहां से यहां तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क हमको यहां कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्मॉल वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हमको एक्सटर्नल एजेंसी को ही करना पड़ेगा वर्क यहां से उठा के यहां तक लाने में, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स ने कितना वर्क किया, कहां से कहां तक, बी से लेके ए तक, ठीक है, बी से लेके ए तक कितना वर्क किया स्मॉल, ये सिचुएशन थी जब Q डैश चार्ज इसके पास था, माइनस Q डैश इसके पास था, उससे जस्ट बाद हमने क्या किया, प्लस डी क्यू डैश चार्ज यहां से यहां तक पहुंचाना है, B से A तक पहुंचाना है, कितना, प्लस डी क्यू डैश चार्ज, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने यहां पे पहुंचा ही दिया है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये प्लस क्यू डैश चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू डैश चार्ज है। तो स्मॉल डी क्यू डैश चार्ज को लेने में कितना वर्क डन किया हमने बी से लेके ए तक, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, V फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, आपको पता होगा पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, उस लेक्चर को आप देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, वैसे भी आपको यहां समझ में आ जाएगा ये बात, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ठीक है, यही होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी चार्ज होता है डी क्यू डैश। देखिए कहां से लिया हमने ये फॉर्मूला, देखिए वी ए माइनस वी बी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल बी टू ए अपॉन चार्ज, जो भी चार्ज हम लेके जा रहे हैं यूनिट चार्ज, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल कहें या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज मीन्स यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल होता है, और दो पॉइंट्स के बीच में करें उस वर्क डन को तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ये ध्यान रखते हैं हम, लास्ट वाला पहले लेते हैं और इनिशियल वाला बाद में लेते हैं बी टू ए, यही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो स्मॉल के लिए करें यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, डी एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए अपॉन कितना, डी क्यू डैश, डी क्यू डैश, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी ए माइनस वी बी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा चाहे आप कोई भी वैल्यू ले जाएं, यहां से लेके यहां तक चार्ज कितना भी रखें, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहना है स्टार्ट से लेके फाइनली तक वो सेम रहेगा, किसी भी इंटरमीडिएट सिचुएशन पर देख लें आप, तो दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इस पर भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स का है वो सेम रहेगा, तो वी ए माइनस वी बी, चाहे स्मॉल चार्ज हम यहां से यहां तक लाएं, चाहे माइनस क्यू चार्ज यहां डेवलप करें,
करें, यहाँ प्लस क्यू चार्ज डेवलप करें, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कैपेसिटर के लिए क्या यूज करते थे हम फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू अपॉन वी प्लस माइनस वी माइनस, यही तो होता था। एक पॉजिटिव प्लेट है तो ये वी ए वाली हो गई है ना, और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये वी बी वाली हो गई, यही तो होता था वी ए माइनस वी बी। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर से इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला भी बना लेते हैं, इसकी भी अभी अब ज़रूरत पड़ेगी जब बात आई है। तो देखिए कैसे, सपोज कि इसका जो कैपेसिटर हमने लिया, इसका कैपेसिटेंस है सी, ठीक है, सी इसका कैपेसिटेंस है, ओके। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना लेके आ रहे हैं, जो नेट चार्ज जो हमने डेवलप कर रहे हैं, क्यू डैश जब डेवलप कर रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, क्यू डैश किसी भी एक चार्ज प्लेट का चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, क्यू डैश और कितना वी ए माइनस वी बी, यही तो होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है नेट पोटेंशियल, अगर हम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ले रहे हैं तो लिखेंगे प्लस क्यू डैश, तो अब पॉजिटिव प्लेट का ही पोटेंशियल लेंगे, तो वी ए पोटेंशियल लेंगे पॉजिटिव प्लेट का, इसका पोटेंशियल, लेकिन इसमें से इस पोटेंशियल को हटा देंगे, ये कम कर देगा पोटेंशियल को, है ना, कर देता है कम, तो माइनस वी वी इसमें से निकाल दिया हमने, और इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो ये होगा, या फिर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे जब हमने कैपेसिटेंस सीखा था, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए आप इस चीज़ को, तो ये फॉर्मूला भी हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वी ए माइनस वी वी दो तरीके से, एक तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, और एक हमने यहाँ से निकालेंगे दो, ठीक है बात। तो यहाँ वी ए माइनस वी बी और डी क्यू डैश, क्लियर है बात। ये डी यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि वी ए माइनस वी बी एक हमने यहाँ से निकाल लिया, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी, ठीक है, दिस इज। तो इसी वी ए माइनस वी बी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्यू डैश अपॉन सी और डी क्यू डैश, और स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए तो हमें इन्फिनिटी टू पी निकालना है, किसी पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो देखिए आप इस चीज को भी यहाँ समझ लीजिए पहले, अभी हम वर्क डन निकाल लेते हैं तभी समझा देंगे इस बात को। देखिए पहले कंप्लीट वर्क डन निकाल लेते हैं, तो एक कंप्लीट वर्क डन निकालना हमें, क्यू चार्ज डेवलप करना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो चार्ज कहाँ तक डेवलप करना है हमें, प्लस क्यू चार्ज, स्टार्ट में चार्ज कितना था जीरो, कहाँ तक ले जाना है, प्लस क्यू तक, ठीक है। जो चार्ज की लिमिट ये हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की लिमिट चाहिए हमें, यहाँ वर्क, अच्छा वर्क हम कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट में कितना था, है ना, जीरो से लेके कहां तक करेंगे हम वर्क को, कि पी पॉइंट तक, किसी भी सिचुएशन तक जहां पर भी हमें वर्क डन करना है, तो हम उसको सिंपल सी बात है कि टोटल वर्क डन कितना लेना है हमें, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, इसका डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख देंगे, कहां से कहां तक, बी से लेके ए तक, ठीक है, बी से ए तक ही वर्क डन करना है हमें, तो उसकी लिमिट हम बी से ए तक ही रखेंगे, ठीक है। फिर हम समझा देंगे इसी बात को भी, अभी आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा इन्फिनिटी टू पी कैसे है यहां पे, तो बी टू ए है, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा यहां पे, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, कैसे होगी, देखिए समझ लीजिए। अभी स्टार्ट में क्या था, जीरो ही थी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था किसी के पास, तो बी पोजिशन जो थी वहां हम कह सकते हैं स्टार्ट में जीरो था, क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी स्टार्ट में, ठीक है। और जब ए पोजीशन की बात कर रहे हैं तब उस टाइम पे हमारा चार्ज प्लस क्यू डेवलप हो चुका है, इसी प्रेजेंट सिचुएशन में जब प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया है उस टाइम पे एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हमारा डेवलप हो गया है उस टाइम पे जो एनर्जी है, ठीक है, वही होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो यूपी की बात कर रहे हैं। तो पी को प्रेजेंट पोजीशन भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट पोजीशन पे जब प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया है इस कैपेसिटर पर उस टाइम पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू बी टू ए, बी टू ए हमें वर्क करना है, तो सिंपल है, स्टार्ट में तो जीरो ही थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, दोनों ही प्लेट्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी स्टार्ट में, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, वन अपॉन सी को बाहर कर लेना है और क्यू डैश का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्यू डैश, तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू, ओके, इंटीग्रेशन आपको पता ही है, बार बार मैं इस चीज़ों को नहीं बताऊंगा, और जीरो से लेके प्लस क्यू तक हमें यहाँ पे वर्क करना है, तो ये इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसका तो कोई काम है ही नहीं, तो यहाँ कितना आएगा ये हाफ, सॉरी क्यू डैश अपॉन सी, तो हाफ दिस इज सी एंड दिस इज हेयर, लिमिट्स पुट करेंगे, क्यू डैश की जगह कितना रखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस क्यू डैश की जगह क्या रखेंगे जीरो अपॉन टू,
ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, ये q डैश स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया, यहाँ पे ये हमने कॉमन कर दिया, 2 को कॉमन कर दिया बाहर, तो ये तो वही रह गया भाई। ओके, तो -0 दिस। तो हाफ क्यू डैश अपॉन सी, इस फॉर्मूले को और देख लेते हैं एक बार, वी ए माइनस वी बी, सी इक्वस टू क्यू अपॉन वी ही होता है, तो वी ए माइनस वी बी की जगह हमने यूज किया है क्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। तो हाफ अपॉन सी और क्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्लियर है बात। तो ये वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, कितना आया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्लियर है बात। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्ट में जीरो था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी दोनों ही की, कोई भी चार्ज नहीं था किसी के पास, कोई भी वर्क नहीं किया था हमने, और प्रेजेंट सिचुएशन ए तक हम जितना भी वर्क डन किया लाने में, किस चार्ज को माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को यहां से उठाया और यहां हमने पहुंचा दिया। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके आप यहां पहुंचाते, ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता, यहां पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता, दूसरा तरीका वो हो सकता था। तो दिस इज द वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, तो यही है पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है, अगर C इसका कैपेसिटेंस है तो Q इक्वल्स टू आप जानते हैं C इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है इन दोनों के बीच में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V a माइनस V b कर रहे थे हम, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है और C इसका कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, तो यहाँ पे हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, Q की जगह क्या लिखते हैं C इंटू वी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्म तो ये हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं। फर्स्ट है U, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, स्टोर्ड कैपेसिटर या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या है, क्यू स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, एक तो ये हुआ फॉर्मूला, दूसरा हुआ U इक्वल्स टू वॉट हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या होगा देखिए, Q इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर, और Q और V की फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, फाइनली कितना है Q है, उस टाइम पे पोटेंशियल कितना बना V, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ठीक है, जो यहाँ पे V प्लस माइनस V कर रहे हैं ये वही है V। देखिए फॉर्मूले जो उसी हिसाब से आप सेट करेंगे, ये चार्ज है Q का, मीन्स Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस या नेट पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q C की जगह क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे Q अपॉन V यूज करेंगे C की जगह, तो क्या हो जाएगा U इक्वल्स टू हाफ C की जगह लगाएंगे Q अपॉन V, दिस इज V स्क्वायर, तो V से V कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, ये आएगा U इक्वल्स टू हाफ Q V, ओके। तो यहाँ तीन फॉर्मूले जेनरेट हो रहे हैं, ठीक है, एक तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक हाफ C V स्क्वायर, और एक हाफ Q V। आप इसको ध्यान रखेंगे ये बहुत इजी रहेगा, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे अगर आपको इसे ध्यान रख सकते हैं, और सी को ध्यान रखेंगे बस, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी पुट कर करके ये तीनों ही निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज हम चार्ज देते हैं इसको धीरे धीरे करके, तो ये स्टोर हो जाता है किसमें, इस कैपेसिटर में, किसके थ्रू देते हैं, वैसे जनरली बैटरी के थ्रू देते हैं, लेकिन हमको जो प्रिंसिपल है वो कुछ दूसरी तरीके से हमने से समझा, कि एक प्लस क्यू चार्ज को हमने यहाँ से लिया और यहाँ पहुँचाया, तो यहाँ कितना चार्ज डेवलप हो जाता है, माइनस चार्ज, धीरे धीरे करके यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है उतने ही अमाउंट में फाइनली। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है और उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर अगर देखें, तो अगर एक कैपेसिटर है जिसको हम V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से जब चार्ज करेंगे तो ऐसे बता सकते हैं इसको हम, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा वो, बहुत ही ईजी है, पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम समझ चुके हैं इन चीज़ों को। जैसे एक ये कैपेसिटर है,
इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, माइनस यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस के थ्रू। चलिए रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, डायरेक्ट समझने के लिए बात करते हैं। अगर हम V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है उतने ही अमाउंट में, इनसाइड आता है, आप इनसाइड ध्यान रखेंगे, आप कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज आता है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज आता है, प्लस Q, ठीक है। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, तो ये फाइनली जब चार्ज हो जाएगा तो इसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हो जाते, फिर करंट नहीं फ्लो होता और फाइनली Q इस पे चार्ज डेवलप हो गया है। अगर C इसका क्या है, कैपेसिटेंस है, तो हमने जो हमारी जो बैटरी ने कितनी एनर्जी को सप्लाई किया, एनर्जी क्या होता है, U इक्वल्स टू V इंटू क्यू होता है, सिंपल सा आप जानते हैं फंडा है, ठीक है। कैसे, देखिए V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है, और वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। सिंपल सी बात करें, अगर क्वांटिटीज की बात करें तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और Q कितना है, C इंटू V, Q कितना आएगा, C इंटू V, जानते हैं आप इस चीज़ को। यहाँ अगर हम पुट करें तो सिंपल सी बात करें तो कितना होगा, Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो कितना हो गया है, सी वी स्क्वायर। तो बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, सी वी स्क्वायर, ठीक है, बैटरी ने सी वी स्क्वायर एनर्जी को सप्लाई किया, लेकिन कैपेसिटर पर कितना आया, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो 50% इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ गई, तो हम कह सकते हैं कि 50% इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में निकल जाती है। जो वायर है ना, ये वायर, इनका अपना रेजिस्टेंस होता है थोड़ा बहुत, तो ये जो वायर का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है इन वायर्स में, तो वो 50% एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है, बेकार हो जाती है। सी वी स्क्वायर हमने दे रहे हैं बैटरी से, ठीक है, बैटरी वर्क कर रही है तो इतना एनर्जी दे रही है इस कैपेसिटर को, लेकिन कैपेसिटर कितनी स्टोर कर पा रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर ओनली। तो 50% एनर्जी को हम कह सकते हैं कि वो बेकार चली जाती है, ओनली 50% एनर्जी का ही यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है बात। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या फिर कहें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्लियर बात है। अब हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है ये भी कॉन्सेप्ट, एनर्जी स्टोर्ड, या फिर कहें एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। देखिए मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो डेंसिटी वाली वही चीज़ है यहाँ पे, बस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी डेंसिटी, बहुत ही सिंपल है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, एनर्जी डेंसिटी हम कह सकते हैं इसको, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, अब ये कहेंगे आप कि अभी तो कैपेसिटर की बात कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनाया है, जैसे मास डेंसिटी होती है वहीं से बनाया है, तो इसको कहेंगे हम एनर्जी, अभी हमने निकाला एनर्जी यू होती है पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में, इसको कहेंगे हम एनर्जी डेंसिटी। कैसे, एनर्जी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी होती है आपकी, क्या होती है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बात। चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन वी पर यूनिट वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होती है तो वहाँ लीनियर एल ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है तो वहाँ पे एरिया ले लेते हैं, ठीक है बात। तो कुछ इसी तरीके से हमने एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे आपको समझाया है कि ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है,
तो जो भी वर्क हम करते हैं चार्ज को यहाँ पे पहुंचाने में, जो बैटरी करती है वर्क, है ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है उतने ही अमाउंट में, ठीक है। तो जब उतने ही अमाउंट में प्लस माइनस चार्ज आ जाता है, तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो जैसे जैसे हम एक बैटरी लगा के यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस चार्ज देते हैं किसी कैपेसिटर को, तो जितना भी वर्क हम करते हैं वो यूज्ड हो जाता है टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो रहा है, तो जितना भी वर्क डन हम करते हैं या फिर बैटरी करती है जो चार्ज पहुँचाने में, विच इज यूज इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, तो वो वर्क स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, एनर्जी, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वही वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जेनरेट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, इसी में हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में खर्च हो रही है, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब मेन चीज आपको कैसे समझ में आएगा, अगर मान लिया कि ये जो प्लेट्स होती है ना कुछ इसी तरीके से तो होती है, जैसे ये बुक है, है ना, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, आप उन्हें ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये एक बुक है, है ना, कुछ लाइक दिस, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, तो ये फॉर्मेशन होता है कैपेसिटर का, दिस फॉर्मेशन कैपेसिटर का, ठीक है। दोनों प्लेट होती है, एक प्लस चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, प्लस क्यू चार्ज होता है एक प्लेट पे और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कुछ इस तरीके से ये रखी रहती है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज कैपेसिटर। तो जैसे ये अगर एक प्लेट है तो इस एक प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ए है, सपोज ए है सरफेस एरिया, और जो इसकी विड्थ होगी, जो प्लेट है इसकी एक अपनी विड्थ भी तो होगी, वो विड्थ भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, उस विड्थ को सपोज डी ले लेते हैं, क्लियर है बात, डी इसकी क्या है, विड्थ है। तो प्लेट्स कुछ इस तरीके से हैं, ओके, डी विड्थ है दोनों ही प्लेट्स की, और ए क्या है, सरफेस एरिया है जो दोनों ही कैपेसिटर की प्लेट है उनका। यहां हमें किस चीज की जरूरत होगी, अब यही चीजें हमें निकालनी है यहां पे, जो सबसे पहली बात यू है, यू क्या थी हमारी, अभी हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी, कितना आया था निकल के, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, हाफ सी वी स्क्वायर, ओके, हाफ सी वी स्क्वायर ही आई थी यू इक्वल्स टू, और जो V क्या है, वॉल्यूम है, है ना, जो वॉल्यूम है इसका, किसका वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे हम, जो प्लेट्स के बीच में, है ना, प्लेट्स के बीच का ही तो वॉल्यूम लेंगे, वही तो वॉल्यूम देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वॉल्यूम में कितना जनरेट हो रहा है, किस तरीके से, जैसे ये दोनों प्लेट्स हैं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम ही तो बन रहा है ना, एक 3D भाई एक स्पेस बन रहा है, 3D स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पा रहे हैं हम, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पा रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में, तो वो वाला वॉल्यूम हमें चाहिए होगा। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इट इज एक्स, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्स डिस्टेंस है और ए एक सरफेस एरिया है, है ना, ए क्या है, सरफेस एरिया है किसी भी प्लेट का, तो जो टोटल वॉल्यूम जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये दोनों प्लेट्स हैं, एक्स इनके बीच में डिस्टेंस है, ए सरफेस एरिया है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, ए इंटू एक्स, ये वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, वी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स, क्लियर बात है। यू क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, इन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे C को, C इसको Q अपॉन, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम चार्ज भी निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, और C जो है कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C, देखिए वैल्यूज को पुट करना है, हमने U निकाला सबसे पहले, फिर उसके बाद V निकाले हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, हाफ, देखिए Q की जो वैल्यू है उसे देख लेते हैं कितनी होगी, Q की जो वैल्यू है, Q जो चार्ज है वो कितना होगा उसे निकाल लेते हैं जरा पहले यहाँ पे, फिर हम उसे पुट कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए उसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से, इनके बीच में कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो देखिए किसी भी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, P
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसके जस्ट पास में हम पता करते हैं तो वो प्लेट फिर इनफाइनाइट शीट की तरह काम करती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड, ठीक है। तो इस प्लेट की वजह से इतना हो जाएगा, एक नेगेटिव प्लेट भी है यहाँ पे साथ में, है ना। नेगेटिव प्लेट अगर इस तरीके से है तो नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी पॉइंट पे, इसी के बीच में, वो इसी के टूवर्ड होगा। पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इसी के टूवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। नेगेटिव प्लेट के टूवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके टूवर्ड होता है, इसके अवे होता है प्लस चार्ज से। तो इस पर भी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन तो हमें मिल ही गई है, कितनी होगी वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं प्लस माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस प्लेट के बीच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ हाफ है, तो सिंगल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को आप जानते भी हैं, अगर दो पैरेलल अपोजिट प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट हैं, अपोजिट चार्ज हैं उन दोनों के पास, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है, इक्वल्स टू दिस, ठीक है बात। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो इस बात को, इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू चार्ज आ रहा है इस प्लेट पे, और ए क्या है इसका, सरफेस एरिया है, क्यू अपॉन ए, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बात। तो ये हो जाएगी E इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से Q कितना आएगा निकल के, Q आएगा E A एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो एक इक्वेशंस बना लेते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले 1 थी ये, ठीक है, ये 2, ये 3, ठीक है, दिस इज 4, तो ये Q निकाल लिया हमने। C क्या है, कैपेसिटेंस है, C कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह से, यही होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या होता है, डी उसके बीच में जो प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये वाला डी हमने जो विड्थ ले ली है इसकी कैपेसिटर की, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसको अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, क्योंकि हमने दोनों ही प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस ली है, एक्स डिस्टेंस ली है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अगर इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है कोई एयर या स्पेस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसे भी हम यहां से हटा देंगे। तो सी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी लिख दिया हमने यहां पे, एनर्जी डेंसिटी है ये, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, यू अपॉन वी होती है एनर्जी डेंसिटी। तो यू हम निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ वैल्यूज़ को लगा लेते हैं अब, ठीक है, यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ओके। तो यू इक्वल्स टू कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सेकेंड इक्वेशन में, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ये ई ए एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ई ए एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन व्हाट, अपॉन सी, ठीक है बात। यू इक्वल्स टू दिस, और सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स, सी कितना है, सी की जगह पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन व्हाट एक्स, ठीक है बात। तो ये हो जाएगा सी, सी को हमने यहां से पुट कर लिया, और बचता कौन है, V है, V को फिर पुट कर देंगे, इसी क्वेश्चन में पुट करना है, U तो यहाँ से निकाल के पुट करेंगे, V हमारे पास ये होगा, ठीक है बात। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, तो 1 अपॉन 2 और ये E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये X ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे कौन बचता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से ये एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यू कितना है यहाँ पे, यू है हाफ ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट एक्स, ओके, यही है, और तो कुछ बचता नहीं है नीचे। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया यू, तो ये है यू, ओनली यू, ओके। अभी वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें पुट करना है, तो ये यू हो गया और ये वी है, तो दो चीज़ मिल गई हमको, U मिल गया, V मिल गया, इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यही एनर्जी डेंसिटी है। यहाँ से मैं बाकी पार्ट हटाऊँ या नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं बचा हुआ जो भी है। देखिए U अपॉन V है, तो U कितना है, ये है, U अपॉन V कितना आएगा,
यू कितना है हाफ ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है बात, अपॉन वी, वी कितना है ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यू अपॉन वी कितना आया हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, या फिर लिखते हैं इसको जनरली ऐसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, जनरली इसी तरीके से याद रखते हैं हम इसको। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी यू अपॉन वी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हो जाती है इस कैपेसिटर के बीच में जो जगह है, ठीक है। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से प्लेट्स हैं, ठीक है। इस स्पेस में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, किस वजह से क्रिएट हो रहा है, जो बैटरी हमारी वर्क कर रही है चार्ज पहुंचाने में दोनों प्लेट्स पर, और वो जो वर्क कर रही है बैटरी वो कहाँ क्रिएट, कहाँ यूज हो रहा है, विच इज यूज्ड इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस स्पेस, इस स्पेस में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में जो वर्क हमारा यूज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, सिंपल सी बात है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक बार फिर से यहां पे, बस इस स्पेस में द वर्क डन बाय बैटरी इज यूज्ड इन क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो हम अगर यहां पे कहेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो स्टोर हो रही है जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी किसने दी है, बैटरी ने दी है, वो क्या बनाने में खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में खर्च हो रही है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बनाया, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी डेंसिटी। सो ये दोनों ही टॉपिक थे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितनी थी हाफ सी वी स्क्वायर, और जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जो एनर्जी डेंसिटी है, वो कितनी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे वो लेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।